हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना अभी मेरा घर तो हो गया है क्लियर, साफ़ सुथरा अभी चल ही रहा है। लेकिन ना मेरा जो घर के बाहर का ये रोड है, ये अभी ऐसे ही है क्योंकि इधर अभी ज़्यादा घर मकान नहीं है। तो मेरा भी इधर पूरा घास वगैरह था और पूरा जो घर का जैसे काम चल रहा था, तो सारा जितना भी मिट्टी था एक्स्ट्रा सब यहीं पर ही डाले थे। और जितना भी था वो सब घर के बाहर, हम लोग ऐसे टाइम नहीं मिला बाहर की ऐसे समतल करवा दें या फिर कुछ यहाँ पे करवाएं। तो फिर हम लोग को पूजा वगैरह करना था, फिर शिफ्टिंग में यही चल रहा था, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बाहर का जो ये एरिया था ना रोड, तो ये जो रास्ता है इसे अभी हम ही लोग मिलके ना थोड़ा बराबर कर देते हैं, जो कि समतल हो जाए और साफ़ सुथरा हो जाए। घास वगैरह को भी आदित्य के पापा साफ़ कर देंगे, तो उसी की वजह से अभी हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना हम ही दोनों मिलके पूरा अच्छा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे द्वार है, दिवाली आने वाला है, तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारा द्वार गंदा रहे। तो यहाँ पे ना बड़े बड़े जो टुकड़ा जो ईंटें रहती है, जो टुकड़े होकर हो जाते हैं छोटे छोटे, वो सब भी था। तो ये हम लोग को लेवल में करना था और उसके ऊपर हम लोग ना यहाँ पर अभी होगा काम, लेकिन अभी नहीं होगा। जैसे कि सीमेंट और जो मिस्त्री ये सब का काम होगा, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है, दिवाली भी सर पर है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ही लोग कर देते हैं, बाद में देखिए काम तो होता ही रहेगा, लाइफ टाइम कभी काम रुकता नहीं है। तो हम लोग से जितना बन पा रहा है, देखिए अभी हम लोग साफ़ सुथरा कर दिए। और इससे ना मेरा ही फ़ायदा है कि जो हम लोग बाइक वगैरह अंदर ले जाते हैं, तो हमको घर घुसाने में फिर निकालने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ही द्वार बराबर हो गया है, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते हैं, तो निकलना घुसना वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे ऊँचा लग रहा था, वहाँ से मैं गमले में भर भर के दे रही थी, और आदित्य के पापा वहाँ जाके डाल रहे थे जहाँ पर गड्ढा है। और जो बड़े बड़े ईंटे थे हमने लोग साइड में कर दिए, और ये देखिए फाइनली इतना साफ सुथरा हो गया है। और थोड़ा बहुत है तो वो झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा। सभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी केला की सब्जी। कच्चे केले लाए थे, ये देखिए अयांश खेल रहा है उसी के साथ। और अभी आप सब सोचोगे कि मैं हमेशा इसको टोपी क्यों पहनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको ना सर्दी जुकाम है और इसी वजह से मैं इसके अच्छे से गर्म में ही रखती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। ये है एक, मैंने पंखा लिया है नया, और ये पंखा जो है ना ये किचन में लगाने वाला है, क्योंकि किचन में उसके लिए जो वेंटिलेटर छोड़ना होता है वो हमने छोड़ा हुआ है, बस उसमें पंखा लेने की ज़रूरत थी। तो मैंने ये पंखा लिया है, ये लुमिनियस का है, और इसमें मुझे 2 साल गारंटी और 1 साल और एक्स्ट्रा मिला है वारंटी, तो 3 साल का वारंटी है। तो अभी इसे अभी हम लोग लगाएंगे किचन में, क्योंकि इस फैन का ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही है तेल मसाला रहे तो पूरा चिपचिपा ना हो जाए इसीलिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाहर गिट्टी है, इतना सारा गिट्टी है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये पसरा हुआ है इस वजह से। और आज हम लोग ने ये एक लेबर मतलब लाए हैं मेरे हस्बैंड, ये सारे गिट्टी को ना ऊपर रखवाएंगे, और इसकी ज़रूरत हमें पड़ गई। अभी ज़रूरत नहीं था, इतना टाइम नहीं था, लेकिन क्या है ना कि जिस ज़मीन पर ये गिट्टी और ये बालू गिरा हुआ है हमारा, अब तो ये ढलाई के टाइम ज़्यादा हो गया था, तो ये बच गया है। और ये मोटे वाले गिट्टी जो है पत्थर, ये सिर्फ ढलाई के वक्त ही काम आता है, तो अभी इसका कोई यूज ही नहीं है। तो जिनका वो प्लॉट था वो लोग हमें अभी इसे हटाने बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग कुछ काम करेंगे इसी वजह से। और अगर वो लोग काम नहीं करते तो हटाने नहीं बोलते, और इसी वजह से हम लोग ना इसे छत के ऊपर रखवा रहे हैं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। तो हमने सोचा कि छत के ऊपर रखवा देते हैं, और कभी ना कभी इसका यूज होगा ही, तो फिर उस टाइम आ जाएगा काम।
यहाँ पर दिख नहीं रहा था कि ज़्यादा है, हमने सोचा कि एक ही दिन में हो जाएगा, पर एक दिन में आधा होता है और फिर हमें दूसरे दिन एक और लेबर को लगाना पड़ता है, फिर वो पूरा ख़त्म करते हैं इस गिट्टी को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आदित्य के पापा बच्चों का कैरम बोर्ड लेकर आए थे उस वाले घर से, और कुछ कुछ सामान भी लेकर आए थे, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमारा शिफ्टिंग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे रुक रुक के ला रहे हैं। तो घर में ऑटो है तो अपने ही ऑटो से जब उधर जाना रहता है तो एक ऑटो भर के ले आते हैं, और फिर मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और आज सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग लग गए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि दिवाली का अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था, तो घर के बाहर इस तरह गंदगी है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे जितने भी कार्टून थे, जो ये गत्ते वगैरह है, इसे हम लोग साइड में कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ है नहीं, बस गत्ता है, लकड़ी है, और जो टूटे फूटे टाइल होते हैं उसके टुकड़े हैं। तो फिर टाइल अलग कर देंगे, लकड़ियों को अलग कर देंगे, क्योंकि लकड़ी जो है छोटे मोटे प्लाईवुड वगैरह का जो काम चलता है, तो वो मैं रख ले रही हूँ, उसे मैं छत के ऊपर रख लूँगी। इस वजह से ना, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और आग तापने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा लकड़ी, इसीलिए। और अभी देखिए यहाँ पे अयान सूट गया था, तो बस अभी मुझे इसको देखती हूँ, कुछ बिस्किट वगैरह है घर में तो ये दे देती हूँ, और ये रो रहा था सोकर उठ के। और अभी सुबह ही का टाइम है, सुबह यहाँ पे बिल्कुल कम टाइम के लिए धूप आता है मेरे आंगन में, तो बस यहाँ पर बिठा दी थी, अयांश खेलेगा, आदित्य ऐसे भी घर पर ही है। और यहाँ पर देखिए आदित्य के पापा लगे हुए हैं अपना साफ़ सफाई में, जितना भी प्लास्टिक वगैरह है ये सब यहाँ पे साफ़ कर देंगे, और घर के किनारे साफ़ सुथरा रहेगा ना तो फिर सही रहेगा, क्योंकि ये अभी देखिए खाली जगह है, तो कुछ ऐसा होता नहीं कि सांप बिच्छू का भी डर रहता है, इसी वजह से कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है, तो गंदगी रहेगी वहीं पर, वो लोग आएंगे, साफ़ सुथरा रहेगा तो फिर हमें दिख जाएगा। और दिवाली है तो फिर साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा घर को, और घर के बाहर भी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और मेरा जो ये फोटो, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर अभी मैं पूजा करती हूँ, और अभी मेरा बहुत सारा सामान नहीं आया था वहाँ से, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करूँगी। यहाँ पर बच्चों का साइकिल भी आया हुआ था, तो दोनों बच्चे अपने अपने साइकिल को साफ़ कर रहे हैं, और अब ये लोग पूरा मस्ती करेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा द्वार के सामने साफ़ सुथरा हो गया है, तो ये पूरा चौड़ा दिखने लगा है, और साफ़ होने के बाद देखिए अयांश वहाँ पे खेल रहा था, और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ मेरे लिए आया था, ये आप दिवाली गिफ्ट समझिए, तो मेरे लिए आया था, तो अभी और चीज़ें भी आती ही रहेगी। और यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम मैं आज मेरे घर पे दो पार्सल हुआ है, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर रहते हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर, तो बहुत सारे पार्सल आते रहते हैं हर दिन या दो दिन या चार दिन, फिर मैं खुद ये देख रही थी, मैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे घर की ना बहुत हद तक साफ़ सफाई हो गई है, और जो हमारा यहाँ पे स्टोर रूम था उसकी भी सफाई हमने करवा दिया है। यहाँ पे स्टोर रूम में किसी को पता ही नहीं चलता है, मेरे हस्बैंड ने किया साफ़ सफाई बाहर का और यहाँ का। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा स्पेस ही बचा हुआ है, ये देखिए। पहले जब यहाँ पे सब कुछ ऐसे ठीक से रखे नहीं थे ना, तो बहुत ज़्यादा भर गया था, और अभी देखिए आधा से ज़्यादा खाली ही जगह है। हमें यहाँ पर वैसी चीज़ें रखती हूँ जो ज़्यादा जल्दी यूज ना हो। दो बार सीढ़ियों का पोछा लगाने पड़ा जब ये साफ किए उस टाइम भी, और मॉर्निंग के टाइम मैंने पूरा झाड़ू पोछा किया था, फिर यहाँ पूरा गंदा हो गया, पूरा वाइट वाइट हो गया था, तो यहाँ पर मुझे फिर से अभी पोछा लगाना पड़ा, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे कि पापा, नहीं ये देखिए ये सारा चीज़ एक में भर के और ये सब रख देंगे, ये सारा सीमेंट का बोरा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ है नहीं, बस इसको ठीक से करके रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, जो नीचे से गिट्टी आया हुआ था और जो नीचे जितना लकड़ी है ये यहाँ पर रख दिए हैं, और ये जो लकड़ी है ना ये ठंड में बहुत ज़्यादा काम आएगा, सर्दियों में आग तापने के लिए, और ऐसे होता है ना हाथ पैरों को सेकना है, तो वैसे में काम आता है। और यहाँ पर देखिए ये गिट्टी,
ये गिट्टी हम लोग का बहुत जल्दी यूज होने वाला है, इस वजह से अभी हम लोग यहाँ रखे हैं। जब हमारा काम लगेगा ना अब फिर से, तो बाहर का बाउंड्री और ये पूरा घर प्लस्तर होगा। और आप सब बोल रहे थे कि ये गैप क्यों है, ये गैप क्यों है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बना, मिस्त्री लोग ही बनाए हैं ऐसा। तो शायद प्लस्तर के टाइम ये कवर हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अभी यहाँ पर रख दिए हैं। अगर हम लोग ये छत पे रखवाते हैं या फिर इस कोने में रखवाते हैं ना, तो हमारा छत ख़राब होने का चांस रहता और पानी ऐसे सीलन पड़ जाता छत पे। तो बस अभी मैं छत का ही जाए, तो अभी मैं ना छत के ऊपर आई थी सुबह से लेकर अब आई हूँ, टाइम मिला है, सबको मैंने नाश्ता बना के खिलाया। और अब मैं जा रही हूँ अयांश को नहलाने के लिए, क्योंकि अभी उसको नहला दूँगी तो फिर वो सो जाएगा आराम से, करना है। और एक दिन तो मैंने छत का पूरा झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी मुझे अच्छे से शाम को या फिर सुबह पूरा पाइप लगा के छत को धोना है, क्योंकि यहाँ पे मसाला वगैरह का काम चल रहा था ना, पूरा सीमेंट सीमेंट पैरों में लग जाता है और फिर मेरा सीढ़ी भी गंदा हो जाता है इस चक्कर में। और मैं सोच रही थी कि बारिश होगी, जिस दिन बारिश होगी उस दिन मैं साफ़ करूँगी, लेकिन अब बारिश अभी तो नहीं होगी क्योंकि बरसात का दिन है नहीं, अगर अचानक कभी हो जाए तो राम भरोसे। तो फ्रेंड्स, मेरा दिवाली का भी साफ़ सफाई बहुत कम करना पड़ा इस घर में आके, क्योंकि जो शिफ्टिंग हुआ वो घर का हालत तो आप देख ही पा रहेंगे, मुझे उस घर में भी जाना है, उस घर की भी साफ़ सफाई करनी है। पहले यहाँ से छुटकारा मुझे मिल जाए, उसके बाद हम लोग उस घर में जाना है, बहुत सारी चीज़ों को भी लाना है उस घर से, छोटी मोटी चीज़ें जो अभी हमारी वहीं पर है, तो टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था और आदित्य के पापा लेकर आए थे आदित्य और आशी के लिए ज्योमेट्री बॉक्स। और ये ना कितने ही ज्योमेट्री बॉक्स हर 3-4 महीने में हमें लेना ही पड़ता है, चाहे हम अच्छा वाला ले लें या फिर बहुत अच्छा वाला ले लें, इन लोगों का पता नहीं क्या होता है, तो दोनों का साथ में ही लेना पड़ता है, फिर नहीं तो वो एक अगर ले ले और एक का नहीं भी टूटा रहता है फिर भी हमें लेना पड़ता है, नहीं तो इन लोग में ना ऐसी लड़ाई होती रहती है। और यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग लिए हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और ये भी ज्योमेट्री बॉक्स ना ये लोग 2-4 महीने से ज़्यादा टिकाने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर लेकर आए थे हम लोग के लिए गर्मा गर्म जलेबी, और कैसे पूरा दिन निकल जाता है, कैसे सुबह से शाम हो जाता है ना, पता ही नहीं चल रहा है इतना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा।